नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, बीपीएससी ने 67वीं का फाइनल रिजल्ट दे दिया है। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 685 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि परीक्षा में सुमित कुमार ने टॉप किया है। हम आपको बता देते हैं कि 685 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 34 पुलिस उपाधीक्षक समेत विभिन्न विभागों के 685 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परिणाम जारी कर दिया गया है। बता दें कि 13 अप्रैल 2022 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा में कुल 1838 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनका इंटरव्यू 18 मई 2022 से 22 जून 2022 तक तथा 5 जुलाई 2022 से 18 जुलाई 2022 तक हुआ। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। इंटरव्यू में 1768 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 70 अब्सेंट रहे। कुल 689 रिक्तियों के आलोक में मेधा सूची तैयार की गई। 3 अगस्त को इसका परिणाम घोषित किया गया, यानी कि आज शाम को परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुल 685 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। इनमें 25 दिव्यांग और 13 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित भी शामिल हैं। बुधवार को चेयरमैन आरके महाजन की अध्यक्षता में आयोग की बैठक हुई। इसमें परिणाम पर मुहर लगा दी गई। 689 पदों में मूक बधिर प्रकृति के 4 अभ्यर्थी के नहीं मिलने के कारण 4 पद खाली रह गए। आपको बता दें कि 67वीं परीक्षा को लेकर वर्ष 2020 से ही प्रक्रिया चल रही थी। वर्ष 2020 में 691 पदों के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें गन्ना पदाधिकारी के 2 पदों को वापस लिए जाने के बाद अब 689 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया हो रही है। आयोग की ओर से दिसंबर 2020 में प्रारंभिक परीक्षा और जुलाई 2021 में मेंस एग्जाम लिया गया था, और फिर 2022 में ही सभी अभ्यर्थियों का जो सफल हुए थे, करीब 1700 के आसपास अभ्यर्थी सफल हुए थे, उनका इंटरव्यू हुआ, और 1700 में जो कुल जो अभ्यर्थी हैं वो 685 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। यानी कि बीपीएससी एग्ज़ाम में 685 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि किस विभाग में किन रिक्तियों पर लोग चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले पुलिस उपाधीक्षक 34, जिला समादेष्टा 2, कराधीक्षक 3, राजकर सहायक आयुक्त 11, अवर निर्वाचन पदाधिकारी 2, नियोजन पदाधिकारी 5, ईक पदाधिकारी 3, बिहार प्रमोशन सेवा 19, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी 2, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी 3, नगर कार्यपालक पदाधिकारी 15, आपूर्ति निरीक्षक 157, श्रम प्रवर्तन अधिकारी 51, राजस्व अधिकारी 67, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 161, ग्रामीण विकास पदाधिकारी 127। तो यह कुल जो रिक्तियां थी, इनमें से जो चयनित होकर आए हैं, जिनकी संख्या आपको बता देते हैं एक बार फिर से, 685 अभ्यर्थी जो है उन्होंने बीपीएससी 67वीं की संयुक्त परीक्षा को क्लियर कर लिया है। इन्होंने इंटरव्यू में सफलता हासिल की है। तो इस परीक्षा में 685 अभ्यर्थियों की सफलता मिली है। अब बीपीएससी के संयुक्त परीक्षा में ये लोग पास हो गए हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।